हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मसाला चाय, और चाय का मसाला कैसे बनाते हैं तो वो दोनों मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने लिए हैं इसके लिए इन्ग्रीडियंट्स, मैंने सभी इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। दालचीनी, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, जायफल, सूट, ये एक जायफल भी मैंने लिया है। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को हम पैन में डाल देंगे। लौंग, सौंफ, काली मिर्च, इलायची, मुलेठी और दालचीनी, और ये सूट और जायफल, सभी सामानों को हम डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इन्हें रोस्ट करने से क्या होता है कि इसकी टेस्ट और महक दो गुना हो जाती है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, इसलिए आप इन सभी सामानों को अच्छे से रोस्ट कर लें। आप चाहे तो इसमें तुलसी के पत्ते, सूखे हुए पत्ते या डंठल भी आप इसमें डाल सकते हैं, और आप चाहो तो इसमें बड़ी इलायची भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे मसाले अच्छे से भून गए हैं। मैं इनको प्लेट में डालकर थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ठंडे होने के बाद फ्रेंड्स, जो ये मोटे मोटे मसाले हैं, जैसे जायफल को हम खलपत्ते में डालकर हम इसे कूट लेंगे। ये देखिए, मैं सूट को भी थोड़ा सा कूट लूंगी ताकि हमें इसे मिक्सर जार में डालकर हमें इसे पीसने में दिक्कत ना आए, इसलिए हम इसे दरदरा कूट लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। हमारा चाय का मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। परफेक्ट मेजरमेंट से आप ये मसाला बनाकर रेडी कर सकते हैं, और मुंबई में मिलने वाली मसाला चाय का आप एकदम घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं। अभी सर्दी का सीजन भी चल रहा है, तो आप इस मसाला चाय को बनाकर इंजॉय कीजिए। एक बार आप इस मसाले को बनाकर एयर टाइट जार में बंद करके रख दीजिए, और जब भी आप चाय बनाएं इस मसाले को आप यूज लें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स, इसकी चाय कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चाय बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप चाय बनाने के लिए 1 कप मैंने दूध लिया है, और 1 कप में ले लूँगी पानी। 2 लोगों की चाय के हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। आप कम या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से ले लें। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, एक पतीला लेंगे चाय बनाने के लिए। उसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। उसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून चाय पत्ती, 2 टेबल स्पून चीनी, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून चाय का मसाला जो हमने बनाया है। इन तीनों को हम अच्छे से उबालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप दूध। दूध डालकर अब हम इसे वापस से हम इसे 3 से 4 उबाले आने तक हम इसे अच्छे से उबालेंगे। आप चाय को जितना उबालोगे फ्रेंड्स, उतने ही आपकी चाय बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कितनी हमारी चाय कितनी अच्छे से उबल रही है, और भिनी भिनी सी महक इसकी पूरी किचन में फैल गई है। बहुत ही अच्छी टेस्टी चाय आपकी बनकर रेडी होगी। आप जैसे भी चाय पिलाओगे आपकी बहुत तारीफ होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे कप में डालकर हम इसे छान लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं चाय को छान लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे बिस्किट के साथ इंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और इस चाय को एंजॉय कीजिए। और आपको ये चाय कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप मसाला चाय कैसे बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके एक प्यारे से कमेंट से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो आप इस सर्दी में इस चाय को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते अगले वीडियो में, तब